फिर वो कितना भी ख़राब हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे तो मैं कब से आ गया हूँ, पर एक प्रॉब्लम हो गया था मेरे एक। हाँ, मे बी वीक में शायद हो जाऊंगा, फिर भगवान जाने क्या होगा। अभी क्या, नहा धो के तो रेडी तो हो गया हूँ, पर अभी घर पे जाना है चांदोड़िया। तो सोच रहा हूँ इसको लेके जाऊँ, ये एक्टिवा लेके जाऊँ, क्योंकि ये भी अपना ही है और ये भी अपना है और ये भी अपना है। साइड हो गया है, अपने बाइक लेके ही जा रहे हैं, तो बाकी की बातें करते घर पे जाके। चलो घर पे तो पहुंच गए हैं, सो सारी बातें तो बाद में करते, अपने पहले आप लोगों का वेलकम कर देते। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप सारे मज़े में हो। अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा। तो हाँ, अभी आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि दो दो पल्सर क्या कर रही है, वो भी 150। ओके, तो मेरे भाई को भी 150 का बहुत शौक है पल्सर, और मुझे भी पहले बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती है। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, इसके पहले मतलब ये दो बाइकों के पहले भी एक 150 था हमारे पास पल्सर, जो पुराना मॉडल आता था वो। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि 150 से कितना प्यार है। ओके, बाकी तो अभी खाना वाना खाते, देन आप लोगों से मिलते। चलो All night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. क्या है, वेराइटीज ऑफ खिचड़ी, ये वाला खिचड़ी, ये साबुदाने का खिचड़ी और दही, और ये भी दही निकालता है। बाय। चलो खाना पीना सभी डन हो गया। अभी सुरेश भाई का फिर से फ़ोन आया था, तो वहाँ पे चलेंगे, क्योंकि कल रात से मिले नहीं, तो अभी जाके सुरेश भाई से मिलते हैं। चलो, हाँ मिलते हैं, मिलते हैं, जल्दी आ जा। तो कब से यहीं पे बैठे थे सुरेश भाई के साथ में, अभी भाई छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो अपने आगे जाके वेट करते हैं। फिर एक फ्रेंड के वहाँ चल रहे हैं, हमारे स्कूल का एक फ्रेंड है, तो अभी यहाँ से चलते हैं। चलो, ये वाली दुकान है अपने फ्रेंड की, और ये सुरेश भाई है, अभी अमृत भाई आने वाले हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद में इसको मिलने वाला है। कितना, 2-3-4 साल हो गया होगा। कैसा भाई, फिर से सजा के रख दिया इसको जैसा था वैसा। तो फिर से एक बार घर पे आ गए, और ना ये क्या है, ये छोटी का कुछ है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, ये पुराने दोस्तों से मिलके ना दिल को सुकून बड़ा मिलता है, मज़ा आ गया। तो ये जो अमृत मेरा फ्रेंड था, वो मेरे बचपन के स्कूल का फ्रेंड है, सो मिलके बहुत अच्छा लगा। और स्कूल के फ्रेंड्स को मिलोगे ना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, फिर वो कितना भी ख़राब हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो। पर ये भाई अपने बहुत सीधे हैं, इसको मैंने आज तक कभी इसके मुंह से ना गाली सुनी है, ना किसी के लिए उसके लिए बुरा सुना है। तो बहुत मस्त इंसान है अपना भाई। तो बहुत सारी बातें की, बहुत सारा खाना भी खाया, मतलब उसका जो खाने का ही शौक है, तो खाना वाना खाया, और कोल्ड ड्रिंक भी भाई ने पिलाई, और बहुत सारी बातें भी की, तो मज़ा आ गया। अभी तो घर पे हूँ, अभी महेश सर को फ़ोन किया है, तो अभी अपने थोड़ी देर पे निकलेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। और अभी ना बाइक नहीं चलाने वाला हूँ, अभी अपने सीधा अपनी राम प्यारी पे, एक्टिवा पे ही ट्रैवल करने वाले, जो भी करने वाले उसी पे करने वाले हैं। वैसे मेरे को बाइक चलाना बड़ा अच्छा लगता है, पर अभी ना मौसम थोड़ा ख़राब है, तो कभी भी बारिश वारिश कुछ भी हो सकता है। तो एक्टिवा की डिक्की में सामान वामान रख देते हैं, तो कोई तकलीफ वाला काम नहीं रहता। सो इसलिए बाइक अभी के मामले में मैं प्रेफर नहीं करता हूँ सिटी में घूमने के लिए, बाकी बाहर जाके कितना भी चलाओ मज़ा आ जाता है। सो अभी आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो, तो अभी मैं अपनी राम प्यारी को लेके निकल गए। तो यहाँ पे तो मैं कब से आ गया हूँ, पर एक प्रॉब्लम हो गया था, मेरे एक क्लाइंट मिल गए थे। अभी मैंने लास्ट फेब्रुआरी में कोरियोग्राफी करवाया था उनकी गाड़ी में, ये मेरी एक्टिवा पड़ी है, यहीं पे ख़राब हो गई थी कब से। तो मैं ऐसे निकल रहा था, और आगे एक काम था, वो काम निकल के आया, और यहाँ पे मैं पास करके अंदर ही आ रहा था, उसमें उनका लड़का है ना छोटा वाला, वो मेरे को पहचान गया था।
तो उन्होंने बोला कि वही कोरियोग्राफर है। हम बाहर आए और उससे बोला कि आप वही कोरियोग्राफर हो ना जो जिनकी बहन की शादी में आए थे। हाँ मैं कहा वही हूँ मैं। बोले मैंने बोला क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो बोले कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मेरे हस्बैंड वहाँ सामने गली में कहीं गए हुए हैं। तब फिर आज संडे ना तो सारा बंद था, फिर भी हम आगे नहीं गए, तो वहाँ पर जाके सब पूछ पूछ लिया पर वहाँ पर कुछ सेट नहीं हुआ। तो फिर वो भाई थे जो उनके हस्बैंड है मैम के, उनके बड़े वाले भाई आके अभी गाड़ी लाए थे और वो जंप स्टार्ट करके कुछ करके निकल गए हैं। बाकी अपने यहीं पे बैठे हैं, अभी महेश सर भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, चाय वाय लेंगे तो फिर चाय वाय पियेंगे, तब तक यहीं पे बैठे हैं। तो महेश सर तो निकल गए और रात भी हो गई है, और मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैंने बाइक लेके नहीं आया, एक्टिवा लेके आया, वरना भीगने के पूरे से पूरे चांसेस है। तो अभी बारिश थोड़ी कम है, मतलब बंद हो गई है, तो अभी सीधा घर पे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। घर पे तो पहुंच गए, अभी देखते हैं खाने में क्या है। तो क्या है खाने में, रोटी, ये लौकी, दाल, चावल, ये वाला है तीखा मीठा मिक्स। तो अभी खाना वाना खा लेते हैं, देन मिलते हैं। चलो खाना पीना सब डन हो गया, अभी जा रहे हैं दूसरे वाले घर पे। तो एक्चुअली ना क्या है कि यहाँ से मेरे को सुबह में जाने में थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ता है, तो इसलिए वो वाले घर पे जा रहा हूँ। तो वहाँ से थोड़ा नज़दीक है तो टाइम थोड़ा कम जाता है और सोने थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर जाएंगे। पर थोड़े टाइम में मैं यहीं पर शिफ्ट हो रहा हूँ, मे बी वीक में शायद हो जाऊँगा, फिर भगवान जाने क्या होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता देना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और लगता है कि वीडियो को शेयर करना है तो कर देना। आपको मिलते हैं कल, बाय।